आज का मैच, आज का मैच स्टार्ट होता हुआ चौदह वाले छोर से नितिन सिंह ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में यहाँ पे करण सिंह का स्टार्ट नहीं। यहाँ पे क्या करते हैं दो वाले छोर से चूलार वर्सेस लोडी। यहाँ पे आज का मैच का शुभारंभ हो रहा है। आउट का इशारा अंपायर का, बीच में रुक के बोल है तो क्या करते हैं नितिन सिंह और बोल हो गए और एक रन के स्कोर पर दो विकेट पवेलियन में और रोहित और गणेश कैप्टन मैदान पर है। संभल के खेले, कृपया जल्दबाजी न करें, 12 ओवर का मैच है, लंबा टाइम लगेगा। बॉलिंग बहुत ही खतरनाक होती हुई नितिन दूर वाले छोर से नितिन रोहित को गेंदबाजी करेंगे। रोहित को संभल कर खेलना पड़ेगा इस बार, संभल कर खेले। अभी पहला ही ओवर प्रगति पे है और दो विकेट गवा चुके हैं। चौलार को धैर्य रखना होगा, अभी मैच शुरू हुआ है, इस तरह का दबाव न ले। नितिन की अगली गेंद रोहित के लिए, रोहित ने ऐसे उठा दिया, फाइनल पे गेंद जारी है। जब तक फील्डर वहां पे गेंद को फील्ड करता है तब तक आसानी से एक रन और इस वाले छोर से नितिन और बल्ले का संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई विकेट नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। और इस गेम को विकेट कर दिया, गेंद जा रही है पहले पहले की तरफ जा रही है गेंद, जब तक उसके पीछे दो खिलाड़ी भागते, दो रन उसे संतुष्ट करना पड़ेगा और स्कोर पहुंचा दिया 5। कैप्टन गणेश को, गणेश अनुभव बैट्समैन इस ग्राउंड में अपना 101 इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे। इस बार तनुज की बहुत बढ़िया गेंद अपने फॉलो थ्रो में, अच्छा मैच उठता हुआ तनुज दूराने छोड़ से ये गेंद और अच्छी गेंद, बल्ला उनके हाथ से छक्का जबर जी है। यहाँ पे तनुज सिंह क्या करते हैं उनकी अगेन और इसको उठा दिया अगेन पे, यहाँ पे एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। इन्होंने काफी निराश किया था कल के मैच में और क्या करते हैं और यहाँ पे यहाँ पे स्ट्राइक पे गोल हो गए, क्लीन बॉल, तीसरा विकेट झटका हुआ यहाँ पे चौलार वालों को, तीसरा झटका यहाँ पे। बहुत ही बेकार खेल लिए चौलार की टीम, यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे प्रशंसा प्राप्त की जाए दिल्ली की टीम से उतनी कम है। तो तनुज की ये अगली गेंद ताजर के लिए, क्या कर पाएंगे ताजर, और ताजर ने इसे हल्के हाथों से धकेल दिया है गेंद को, कोई रन नहीं, कोई विकेट नहीं और इसी के साथ दो ओवर के समाप्ति के बाद चौलार 11 का स्कोर बढ़ता 6 रन। क्या करते हैं गणेश फौजी को, गणेश फौजी स्टाइक पे क्या करते हैं, ये दो गेंद और इसको उठा दिया, गेंद जा रही है नॉर्मल बाउंड्री के बाहर, यहाँ पे अंपायर का इंतजार करना पड़ेगा 6 रनों के लिए। बहुत ही अच्छी बैटिंग यहाँ पे गणेश के द्वारा, हालांकि पिच में थोड़ी नमी हो। स्कोर चौलार वालों का 12 रन 5 विकेट के नुकसान पे, एक बार विकेट गया अभी फोन आया था। और इस बार फिर से चौलार की टीम दबाव में दिखती हुई और तीसरा ओवर प्रगति पे 5 विकेट गवा दे। आखिर ये दबाव कैसा दबाव जो झेल नहीं पा रही है ये टीम। और इस बार नितिन की अगली गेंद और इसी के साथ डॉट के साथ ओवर की समाप्ति के बाद, 3 ओवर की समाप्ति के बाद चौलार 11 का स्कोर 12 रन और 5 विकेट के नुकसान पर, बहुत ही खराब प्रदर्शन। ताजर एक अनुभवी बल्लेबाज जरूर है, आराम से खेले, सिंगल रोटेट करे, छक्का लगाने की कोशिश न करे क्योंकि पिच में नमी बहुत है। और इस गेंद को भी उठाने का प्रयास किया था और इसी के साथ जब तक वहां पे फील्डर फील्ड करते हैं गेंद को, एक रन आसानी से टीम का जिम्मेदारी। तनुज की ये अगली गेंद, इस गेंद को उठाने का प्रयास किया था लेकिन दौड़ गेंद, लंबे लंबे कदमों के साथ तनुज की ये गेंद मोहित के लिए और मोहित ने इसे उठा दिया है, थर्डमैन की तरफ गेंद जा रही है, जब तक गेंद को फेल कीते हैं एक रन आसानी से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 14। तनुज की ये अगली गेंद ताजवर के लिए, ताजवर तैयार और इसे उठा दिया है, फाइन लाइन जा रही है गेंद, जब तक गेंद बल्लेबाज गेंदबाज फील्ड करता है और आसानी से 2 रन वहां पे पूरे किए ताजवर ने और इसी के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। ताजवर को उनकी ये गेंद, इसको उठाना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, कोई रन आउट, कोई आउट नहीं, अभी भी स्कोर रुका 16 रन।
टेस्ट और ये साजन को हल्के हाथों से इसको खेल दिया पहले की तरफ, एक दो आसानी से लिया वहां पे, एक रन मिल जाएगा, एक रन से पहुंचा दिया उसको 17 रन। चार ओवर के समाप्ति के बाद 17 रन 5 विकेट के नुकसान पे अभी भी 8 ओवर। और बॉलर ने राहुल अपने कोटे का पहला ओवर टीम के लिए 5वां ओवर लाते हुए, ताजर के लिए राहुल की ये गेंद और इस गेंद को उठाने का प्रयास किया था लेकिन बल्ले और गेंद का कोई भी, ताजर थोड़ा धैर्य संयम के साथ खेले इस गेंद को, इस बारी अगली गेंद ताजर के लिए उठाना चाहते थे इसे लेकिन अभी भी अंपायर का फैसला न बाकी और गेंद इस बार बहुत बढ़िया गेंद और मुरली क्लब के द्वारा बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी होती हुई अभी तक 4 ओवर में महज 16 रन दिए थे और इसी के साथ अगली गेंद राहुल की और वाइड का इशारा, दिशाहीन गेंदबाजी इसे दूर वाले छोर से ताजर के लिए, क्या कर पाएंगे ताजर इस गेंद को उठाना चाहते थे लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में गेंद और वहां पे मिस फील्ड, लेकिन मिस फील्ड का भी कोई फायदा नहीं, बॉल पे नहीं छाने चाहिए थे वैसे। और इसी के साथ अगली गेंद इसको उठा दिया है, गेंद जारी है लोअर बाउंड्री की तरफ जब तक गेंद को फील्ड करते और इसी के साथ एक और बाउंड्री 4 रन मोहित के बल्ले, मोहित की बल्लेबाजी बस संयम से खेले, बाउंड्री तो आ ही जाएगी, एक दो खराब गेंद पड़ी जाती है गेंदबाज से। राहुल की अगली गेंद मोहित के लिए, क्या कर पाएंगे मोहित, वाइड गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर जाती हुई अगली गेंद मोहित के लिए, मोहित क्या कर पाएंगे इस गेंद को और इस गेंद को भी उठा दिया है लेकिन गेंद हवा में थी और इसी के साथ पहला जीवन दान मिलता हुआ फील्डिंग के दर पहला कैच छूटता हुआ यहाँ पे कोटे का पहला ओवर और टीम का छठा ओवर ले जाते हुए और वाइट का इशारा मनोज का एक ओवर अतिरिक्त वो पहली गेंद उठी इसको खेल दिया यहाँ पे विराट की तरफ वहां पे ये देखना होगा यहाँ पे 4 के लिए और दूसरे रन के लिए आसानी से आ सकते थे दो रन आसानी दिया नहीं अंपायर से यहाँ पर अपील की जा रही है उसके पर नकारा यहाँ पे छोटे क्या करते हैं ताजर इनके सामने अच्छी गेंद यहाँ पे बोल हो गए क्लीन बोल कर दिया बबली ने और छठा झपका लगता हुआ चौनार की रखो छठवा झपका अब आए हैं बैटमैन रोहित शर्मा घरेलू रोहित शर्मा आ चुके हैं अब के नुकसान पे और ये अगली गेंद और इस गेंद को भी डॉट खेला अपने फॉलो थ्रो में बबली ने इस गेंद को फिर उनको तो फुटबॉल की तरह गेंद दिखनी चाहिए थी और हमारे आराधन तक गई और गेंद 6 रन के लिए बॉल दिलान के बाद स्कोर अभी भी 33 रन बबली दूर से चले और एक और उठाया गेंद को यहाँ पे एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा स्कोर पहुंचा दिया रोहित ने अपना 7 रन और टीम का स्कोर पहुंचा दिया 34 रन 7वां ओवर चलता हुआ राहुल की ये पहली गेंद रोहित के लिए रोहित ने इसे उठाना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल का कोई भी संपर्क छोर से मोहित क्या पाएंगे मोहित राहुल की ये गेंद और इस गेंद को उठाने का प्रयास किया था लेकिन गेंद टप्पा खाने के बाद गेंद को नहीं है पिच और इसी के साथ एक और अगली गेंद इसको उठा दिया है लेग स्टंप पे गेंद जा रही है और जब तक आसानी से एक रन होता है वहां पे इसी के साथ उनकी अगली गेंद रोहित के लिए और इसको हल्के हाथों से धकेलना चाहते थे लेकिन वहां पे किसी ने आगे फिफ्टी ओवर है ट्वेल्व ओवर और मैच पहली गेंद के लिए बबली और बबली ने इस गेंद को और मोहित ने इस गेंद को उठा दिया है और मिस फील्ड 2 रन हो सकते हैं लेकिन चतुराई भी तो नहीं है इन बल्लेबाजों में थोड़ा चतुराई भी दिखानी पड़ेगी अगर छक्के बाउंड्री नहीं आ रही हो तो कम से कम सिंगल डबल में जो कि रन आ सकते हैं पर कट्टी पे क्या करते हैं पूरा ने चोट इसको लगाया गेंद वहां पे बाकी पीड़े वहां पे एक रन से भी संतुष्ट करना पड़ेगा स्कोर पहुंचता हुआ 38 रन और इसको घुमाया गेंद को वहां पे देखना चाहती है और 4 रन का इशारा अंपायर मनोज का स्कोर पहुंचा दिया 42 रन है और क्या करते हैं मैया ने इसको फाइनल की तरफ खेला वहां पे 2 रन आसानी से मिल जाएगा और 2 रन के बाद ही क्या करते हैं तीसरे रन के लिए जाना चाहते हैं और 3 रन पूरे कर लिए वहां पे चौथा रन के लिए भी जाना चाहते हैं और 4 रन पूरे कर लिए भाग के स्कोर पहुंचा दिया 46 रन 6 विकेट के नुकसान पे 8वां ओवर पर कटी पे चौनार की तरफ से क्या करते हैं अभी इसके बाद से 4 ओवर आने के लिए 9वां ओवर नितिन की ये गेंद इस गेंद को पैड और बल्ले के बीच में गेंद गई थी नितिन अपने कोटे का दूसरी बॉल लाते हुए और इस गेंद को और इसी के साथ रन आउट का पूरा चांस और इसी के साथ रन आउट के फील और ये रन आउट
आंखों के साथ दबदबते हुए। और या नए बल्लेबाज चौनार की तरफ से सिस्पा लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, और अपने अनुभव का आज भरपूर प्रयोग करना पड़ेगा चौनार की टीम के लिए। सिस्पा एक अनुभवी बल्लेबाज है, हालांकि आज इनका डाउन पीछे किया है, उन्हें ये चौथे नंबर के बल्लेबाज है और आज आठवें नंबर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। जगदीप सिंह भी काफी खुश होते हुए, उनके पुराने दोस्त है और उन्हीं के साथ क्लासमेट रह चुके हैं जगदीप सिंह। क्या करते हैं सिस्पाल सिंह, दूर वाले चोचे नितिन सिंह अपने दूर वाले चोचे लंबे लंबे कंधों के साथ दबते हुए उनकी अगेन, और सिस्पाल ने इस गेम को खेलना चाहते थे स्टेडियम। और इसी के साथ अगली गेंद, और इस गेंद को भी उठाना चाहते थे सिस्पाल। शीश की ये अगली गेंद सिस्पाल के लिए, और उनके हाथों सिस्पाल के लिए ये अगली गेंद नितिन की, और इस गेंद को बोल्ड कर दिया। इस बार नितिन ने अपनी पारी के लिए चौथा विकेट लिया है, और अनुभवी बल्लेबाज सिस्पाल पेवेलियन में लौटते हुए जीरो रन पर, और टीम का अगली गेंद नितिन की अंशु के लिए, और अंशु ने इस गेंद को उठा दिया लेकिन हल्का सा किनारा लगता हुआ बल्ले का। जब तक अपना पहला ओवर लेता पारी के लिए, तब तो ओवर अंशु के लिए गेंद हल्का सा, देखिए अगली गेंद लेखने के लिए तैयार, और इसी के साथ वाइड गेंद का इशारा का फायदा उठाएंगे जिस तरीके से बॉलिंग करते हैं। हालांकि अंशु के साथ एक और बॉल का चांस बनने जरूरी है, तब जाके गेंद नंबर, और इसी के साथ हवा में खेला गेंद 6 रन के लिए। पॉइंटरी के बाद केवल चुम्बी छक पूर्व छात्र सदन उनका भी बॉल, और इसको लपेटा है गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ, 1 रन पूरा किया, 1 ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। देखिए हमारे अंशुल छोटे यहाँ पे मलिंगा, और अंपायर का फैसला का कोई इंतजार नहीं, यहाँ पे छोटा मलिंगा क्या करता है, और बॉल हो गया छोटा मलिंगा, और खूंखार गेंदबाज अंशुल और अपनी टीम के लिए बहुत ही अच्छी इनिंग खेलते हुए इज्जत बताती अपने बॉलिंग एंड की अंशुल ने, बहुत ही उम्दा गेंदबाज अंशुल, जवारी के सुपर स्टार अंशुल। कोहली की टीम से बहुत अच्छी गेंदबाजी, इन बॉलरों की जितनी तारीफ, और ये बहुत ही लंबा शॉट उठाया लेकिन फील्डर के हाथों में, और बहुत ही अच्छी फील्डिंग। टेस्ट मैच में काफी बड़े खिताब से नवाजा गया था, और वाइड गेंद का सारा छूट से इनको पता है अगर बॉलिंग लेते तो चेंज करने के लिए आसानी हो जाती है, और इनमें आपको शायद नहीं आए। अरे यार, और इसके साथ रन आउट का खतरा हो सकता है, पर लेकिन बच गए। कैसे से हमारे पवन भाई और ऊपर से अंकु भाई जिन्होंने लगातार 4 छक्के एक बॉल से मारे थे, ये हालांकि कैच हो सकता है, आपस में टकरा के आए इसी के साथ कैच। देखिए अगर दोनों के साथ, अगर लंबे कदमों के साथ जितनी इनकी हाइट है उतने लंबे पांव है, और इसके साथ हवा में गेंद, थोड़ा जान लगानी पड़ेगी बैट्समैन को, थोड़ा जान लगानी पड़ेगी क्योंकि बॉलर ना निर्णय आना बाकी है, अगर निर्णय नहीं आया लेडर पे हाथ पांव रखते हैं, और एक बॉल फिर से डॉट, इनको देख के सीधे रोहित शर्मा की याद आती है, और विक्की दूर वाले छोड़ते हैं इसे घुमाया हवा में, और यहाँ पे कैच का आउट हो सकता है, हालांकि कैच ड्रॉप हो गया, और इसी के साथ 2 रन पूरे लिए गए। अगर इस ओवर में लास्ट कोई बात नहीं, हालांकि अभी विक्की दूर वाले छोर से लंबे कदमों के साथ संजू गोली कहीं मिलेगा इनको, ये क्या, ओहो क्या शॉट मारते हैं, लेकिन ये सिंगल यहाँ पर, लेकिन इन्होंने गलती कर दी। अभी लास्ट बॉल थी, अच्छा सर चलो इसी के साथ ओवर की समाप्ति पे 80 रन मात्र 79 रन जीतने के लिए ऑल आउट कप्तान गणेश, अगर मेरी आवाज उन तक पहुंचा तो 79 रन का टारगेट का पीछे करने उतरेगी लोली क्लब। आज की मुख्य और मेरा सभी क्रिकेट टीमों से अनुरोध है कि जिनका नाम ही बबली है, ये देखिए अपने छक्कों के लिए जाने जाते, अभी उनने सिंगल दिया लेकिन वो जानते हैं, अगर मैं डबल दिया 2 रन, मैं कह रहा था बबली और वंटी दोनों ऐसे प्लेयर हैं जो शायद
एक तरफा मैच ले जा सकते हैं, किंतु जो बॉलर है हमारे रोहित, इनकी चर्चा शायद आपने सुनी नहीं है, बुलावे में 3 हैट्रिक मारी तीनों में। कल की चर्चा है तो शायद आपको यही बताएंगे, क्योंकि कल मैं मैच में था नहीं। अंकु की चर्चा सुनी मैंने, पवन भाई की चर्चा, जिन्होंने 4 ओवर में 4 छक्के लगाए और 2 रन चौ चले, और ये क्या करते हैं, ये देखिए कहा था आउट इनिंग जरूर होती है, वही क्या उनकी अगेन अच्छी गेंद, इस समय वहाँ पे सम्मान दिया और आशीष पाल ने इस गेंद को फील किया, कोई रन नहीं, कोई विकेट नहीं, अभी भी लोली क्लब का है स्कोर 2 रन 1 विकेट के नुकसान पे। दूर वाले चौथे उनकी अगेन अच्छी गेंदबाजी हो रही वहाँ पे रोहित की, अच्छी गेंदबाजी, और हमारे साथ आशीष का प्राण है, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, आए आशीष सिंह का प्राण। और इसी के साथ हमें अच्छा आरम कर सर, आप भाई अंपायर प्रदीप द्वारा देखिए करण चरण, देखिए फिर से मैंने कहा था अगर ये बाउंड्री अगर लंबी है तो आपको पीछे ही रहना चाहिए, क्योंकि आपके से पहले ओवर की समाप्ति के बाद लोली क्लब का स्कोर 7 रन 1 विकेट के नुकसान पे, और 79 रन का टारगेट का पीछे करना है तो फील्डिंग बाइस सजा के रखनी होगी, तगड़ी फील्डिंग करनी पड़ेगी, बहुत ही खराब फील्डिंग संजय द्वारा। अगली गेंद, पहला दूसरे ओवर की पहली गेंद पीयूष की ये गेंद, और 9 बॉल का इशारा, इसी के साथ पहली फ्री हिट यहाँ पे लोली क्लब को मिलती। देखिए बॉलर जिस हिसाब से चलते हैं उनका जो, और इसी के साथ हवा में गेंद खेला और पॉइंट्री के बाद 6 रन का इशारा भाई मनोज द्वारा, 9 बॉल का फुल फायदा उठाते हुए भाई नितिन दूर वाले छोर से, क्योंकि देखिए नितिन के बारे में हमने पहले चर्चाएं सुनी है, आज देख भी लिया है, नितिन काफी अच्छे कप्पू बल्लेबाज है, और इसी के साथ हवा में गेंद खेला शायद बाउंड्री के बाहर 6 रन। अगर ये बॉलर जो है हमारे, अगर बैट्समैन नितिन, मैंने कहा था ना नितिन जब छक्के मारते तो रुकते नहीं है, ये 9 बॉल के साथ एक छक्का वाला भाई दे दिया ना, ये देखिए पीछे लेग ड्राइव खेल लिया, और यहाँ पे शायद सिंगल ही मिलेगा, डबल मिलेंगे, रन आउट का खतरा हो सकता है, पर थोड़ा बच गए, और इसी के साथ टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 21 रन। गेंदबाजी करनी है तो इनको एक एक, और हमारे बीच अभी दर्शन भाई, फिर से मैं उनके पास मैच देखूंगा, एक बार मार क्या यार, और इस पे, और उनको यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी, यहाँ पे बहुत पीयूष क्या करते हैं, अच्छी गेंदबाजी फिर से वाइट, एक और दोबारा चोर से, और इसको गेंद को खेला है मनसूबा पे जा रहे हैं, और यहाँ पे अंपायर का फैसला का इंतजार करना पड़ेगा, चार है कि क्या है, 4 है, और ये 4 रन के लिए स्कोर पहुंचा दिया 29। राहुल और नितिन के लिए ये गेंद बहुत अच्छी करनी है, क्योंकि वो पहले भी कर चुका, वाह क्या बॉल मारा है, देखिए बैट पे गिराते तो सीधे बाउंड्री बाहर जाएगी गेंद, मैंने कहा था बाउंड्री बाहर जा सकती है गेंद, संजू को क्या, अगर बाउंड्री के बाहर हो गए तो कैच आपके हाथ ही में हो गया, आप फिर वही गलती करते हो, और दोबारा आपको ये निर्णय, मैंने पहले ही कहा था निर्णय आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि संजू ने इससे पहले भी कैच छोड़ा था, बेकार फील्डिंग है संजू द्वारा, मैंने पहले भी कहा था कप्तान को अगर निर्णय लेना है तो बॉलिंग का थोड़ा सोच समझ के लेना, क्योंकि इसके इनके बाद उसके पास बहुत बॉलर है और एक कैच हो सकता है, करण द्वारा अगर एफर्ट डालना है तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इनके बैट तो बॉल ऐसे जारी बाउंड्री के बाहर जैसे हवा में, 6 रन का इशारा भाई प्रदीप द्वारा वाले छोर से, अनूप सिंह उनकी अगेन, और इसको उठा दिया वहां पे, ये 6 रन के लिए, कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के पास, और हम मैंने निर्णय पहले भी कहा था, दो लगातार हिट, इतनी नजर बहुत बेकार है, खाली नजर है, हालांकि आदमी भी थोड़ा वैसे ही, पर हालांकि, और ये सिग्नल
एक और लगातार तीन गेंद में तीन छक्के मारने के बाद लोली क्लब का स्कोर बढ़ता हुआ 57 रन एक विकेट के नुकसान पे। और अगली गेंद रोहित की, अनूप की और बहुत बढ़िया राहुल के लिए, और लगातार तीन छक्के, और इसी के साथ 14-11 पे एक और खतरे हार का खतरा मंडराता हुआ। लाइनमैन कृपया जल्द से जल्द बॉल पहुंचाए। अगली गेंद अनूप की और लेग स्टंप को काफी बार जाती हुई है, वाइड गेंद का इशारा। इसी के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 58 रन की अगली गेंद, और इस गेंद को उठा दिया है जब तक फील्ड करते हैं शिषपाल, वहां पे आसानी से एक रन, और एक रन के साथ पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 59। क्या करते देखते हैं बॉलिंग के साथ, इसी के साथ बढ़िया बॉल। देखिए मैंने कहा था अनुभव और अनुभव होता है, और देखते हैं यहाँ पे रोहित क्या करते हैं। वाइड का इशारा अंपायर द्वारा आया नहीं है, और ये बॉलिंग का निर्णय तो आपको शायद मालूम था, आपने या तो जाने के लिए रोहित के पास कह जा सकता था, और इस चीज के साथ अभी निर्णय नहीं है। अंपायर चार रन का इशारा किया गया है अंपायर द्वारा, हम पहले नहीं कह सकते। फिर से एक बार देखते हैं रोहित क्या करते हैं। मैंने कहा था मैंने बैट्समैन समझ ही नहीं पाएगा उनकी बॉलिंग, क्योंकि वो छोटे मलिंगा है, वो दो विकेट और ले सकते थे पहले अगर उनके पास बॉलिंग दी जाती। निर्णय जो है मैंने कहा था, इसी के साथ दो विकेट के नुकसान गए, और सिंगल लेने की कोशिश की, हालांकि कोई रन नहीं मिला, थोड़ा मिस करा दी सकते उन पर इतनी काबिलियत है, वो तीन लगातार मार सकते हो, चार भी मार सकते हैं। हालांकि पांच विकेट जटके उन्होंने तीन को बोल्ड किया, दो रन आउट भी उनके नाम में, और इसी के साथ एक और अगली गेंद, अभी भी गेंद का भी अंपायर का फैसला आना बाकी है, और इसी के साथ जब तक वहां पे गेंदबाज फील्ड करता है आसानी से वहां पे दो रन और तीसरे रन के लिए, लेकिन दो रन से संतुष्ट कुछ हो रहा होगा, और इसी के साथ फिर से एक बार, इससे पहले तीन छक्के खाए थे लगातार, अब देखते हैं क्या करते हैं। एक और हवा में गेंद, शायद कैच का खतरा हो सकता है, बढ़िया गेंद खा सके जिससे कि मैंने कहा था ये बॉलर अनूप की अगली गेंद और रिवर्सिप करने का प्रयास, और इसी के साथ डॉट गेंद बहुत ही खतरनाक है, और इसी के साथ अगली गेंद अनूप की अगली गेंद, और इस गेंद को भी लपेटना चाहते थे लेकिन मस्त हुआ है दूसरे छोड़, ये हवा में गेंद, देखते हैं क्या करते हैं फील्डर, और इसी के साथ कैच ड्रॉ। देखिएगा हमने पहलिंग इनके द्वारा तो कुछ ज्यादा ही है, अनूप द्वारा पहले छक्के दिए, उसके बाद कैच ड्रॉ, फिर हालांकि अब मैच हाथ से गया, क्योंकि हाथ पे अब मैच आने वाला नहीं है, मैच जो है चले गया है। मैंने पहले ही कहा था अगर बॉलिंग का निर्णय अगर सही रहता तो शायद जीत जाते, मात्र रन चाहिए यहाँ पे, और बैट्समैन क्या बॉल मारी, मस्त हुआ है, देखते क्या करते हैं, सिंगल लेने की कोशिश, प्रयास तो बढ़िया था, क्या देखे मिस फील्डिंग, मैंने कहा भुप्पी की नजर लग गई इन पे, भुप्पी क्योंकि नजर ऐसी लग गई, दूसरा कैच फिर से कैच, अब देखते हैं कप्तान क्या करते हैं। मैंने कहा था वो खेला जाएगा जीत इलेक्ट्रॉनिक्स और रूपम, दोनों रुद्रप्रयाग की खतरनाक टीमें हैं, इस लीग का मैच खेलने और अंशु फिर से एक बार यहाँ पे सिंगल लेने का प्रयास, अब कोई बात नहीं, अब आराम से खेल सकते हो आप। अब जो इनपे काला जादू आता है तो भुप्पी बहुत अच्छे काला जादू करते हैं, तभी तो मैच आता है, और इसी के साथ पॉइंट्री के, मैंने पहले ही कहा था आप सभी से, क्योंकि आपके अगर रन रुक जाएंगे तो दिक्कत आपके लिए हो जाएगी, अगर उन पे बॉल लगेगी तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है खिलाड़ियों। टूटा हुआ मात्र 6 रन की और दरकरार, और मस्तान के लिए गेंद और गेंद और बैट का कोई भी संपर्क नहीं, और शाम का जो मुकाबला रहेगा वो 3:30 बजे से जुमे लीग मैच का पहला मैच खेलेगा, और इसी के साथ एक और झटका यहाँ पे लोली क्लब को लगता हुआ 73 रन के स्कोर पे चौथा विकेट, मस्तान पवेलियन में जा रहे हैं, और रोहित की धारदार गेंदबाजी तो क्या ही कह सकते, और पारी में 40 रन यानी कि महत्वपूर्ण योगदान रहा उनका, और इसी के साथ एक और डॉट गेंद, अगर अंशु को पहले लगाते बॉलिंग पे रन रुक सकते थे, 9 ओवर प्रगति पे अंशु के हाथ में गेंद दूर वाले छोर से अंशु राहुल के लिए, और ये लेग स्टंप के काफी बार, और अंशु की अगली गेंद इसी ओवर में शायद हो सकता है लोली क्लब जीत जाए,
और गेंद काफी देर तक हवा में रही जब तक गेंद को फील करते हैं फील्डर, तब तक आसानी से दो रन बनाते और टीम का बढ़त बरकरार है और चार इलेवन का सफर यहाँ पे समाप्त होने वाला है और इस गेंद को उठा दिया है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाद छह रनों के लिए। इसी के साथ लोनी क्लब ने अपना मुकाबला जीत लिया है और छह विकेट से यहाँ पे लोनी क्लब और चोनार की टीम हारती हुई एक और मुकाबला हार गई है चोनार की टीम और लोनी की शानदार बल्लेबाजी, शानदार गेंदबाजी, शानदार फील्डिंग की बदौलत यहाँ पे लोनी ने छह विकेट से मैच जीता है।